बखर खानसर रोड पर थाना सदर बखर के सामने डाकू का तकुब करने वाले डाकू की एसएचओ सीटी हियातुल्ला खान पर फायरिंग। डाकू की फायरिंग से एसएचओ सीटी हियातुल्ला खान मौके पर ही शहीद हो गए। एसएचओ सीटी डीपीओ ऑफिस से खानसर चौक की तरफ जा रहे थे कि मोटरसाइकिल डकैती करने वाले मुलजमान फरार हुए तो डाकू का तकुब किया, जिस पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। इतला मिलते ही डीपीओ बखर सैयद अली रजा की हिदायत पर नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में रह लिया। मुलजमान को चक नंबर 33 के करीब डाकू और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में पुलिस मुकाबला में एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हुआ, जो कि पुलिस ने मेला ग्राउंड में उसको भी घेरे में ले लिया। बाद फायरिंग के तबादले में उसको भी हलाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रीजनल पुलिस अफ़ीसर इमरान महमूद, डीपीओ सैयद अली रज़ा, एसपी मतीउल्ला खान नवानी, एसपी अला नवाज़ खान, पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रजा नासिर, चेयरमैन सीपीएलसी शेख मोहम्मद अयूब, नसरुल्ला खान ढांडला, एमपीए इरफानुल्ला खान नियाजी, सुहेल खान ढांडला, मीडिया नुमाइंदगान, वकला समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद ऐसे चो ने 3 बेटे और 1 बेवा सोगवार छोड़ी। रीजनल पुलिस अफीसर इमरान महमूद का कहना था, देखिए जी, हमारा जवान जो है वो फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए यूनिफॉर्म में जो है वो शहीद हुआ है। सारे शहर के सामने जो है वो बकुआ हुआ था और उसने अपने फ़र्ज़ की राह में जो है वो अपनी जान दी है। अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करे और उसके दर्जात जो है वो बुलंद करे। शहीद जो है वो हमारे महकमे में जो है वो हमारे लिए बह इंतहाई इज़्ज़त के जो है वो हामिल हैं। उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना हमारा फ़र्ज़ है। डीपीओ साहब और मैं, हम इंशाल्लाह तआला उसकी फैमिलीज़ को मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो लुक आफ्टर भी करेंगे। और उसके अलावा जिन लोगों ने ये काम किया है, आपको पता है हॉट परस्यूट में ये हुआ था, उसी की कंटिन्यूटी में जो है वो एक डाकू जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया था। दूसरों के पीछे भी हम चढ़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द वो अपने कैफे करदार तक जो है वो पहुँचेंगे। अच्छा, दूसरे मुल्क के हवाले से भी आ रही है खबर कि उसको भी जो है वो मुकाबला में नहीं है, इसकी अभी तक कोई खबर नहीं। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द है। हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उससे जो मिला था उसके मोबाइल वगैरह उसके थ्रू भी हम ट्रेस कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड जो है वो भी काम कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम उनको उसको नैब ज़रूर करेंगे और गिरफ़्तार करेंगे। हम एज ए मीडिया पर्सन आप लोगों के साथ हैं और कुएँ पर शोदा की फैमिली के साथ आपके साथ भी इजहार करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। साथ ये जो टीम ने अच्छा काम किया, हमारे डीपीओ ने फौरी तौर पर नाकेबंदी कराई, खुद निकल पड़े, इस हवाले से इन टीम की भी कोई अच्छी कारकर्दगी है। ज़ाहिर बात है जी, ये डीपीओ साहब का फ़र्ज़ है, उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए इमीडिएटली किया। अगर हमारा कोई जवान जो है इस तरीके से जो है उसको शहादत करता है, हमारे लिए पूरे के लिए महकमे के लिए जो है वो फौरी तौर पर हमारे लिए तो इंतहाई कर्ब का जो है ये मकाम होता है और उसको फौरी तौर पर रिएक्ट करना होता है। ये तो रब ने बड़ा कर्म किया कि उसी हॉट परस्यूट में, उसी वाक्य की कंटिन्यूटी में जो है वो एक बंदा जो है वो लाइव मुकाबले में जो मारा गया वो भी सबके सामने। ये बहुत अच्छी बात है और इससे जराइम में कमी आएगी, यकीनी बात है। सर, डीपीओ साहब की क़यादत में बहुत अच्छी कारकर्दगी है पुलिस की, लेकिन यहाँ सर हमें जो देखने में कमी आई है वो नफरी की बहुत कमी है और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। देखिए जी, ये जो चीज़ है कि उसको आबादी के मुताबिक करनी है, पूरे पंजाब का मसला है, सिर्फ इस ज़िले का मसला नहीं है। और उसके लिए जो है वो बारहा जो है मकामात के ऊपर इसकी एफर्ट भी की जा रही है, लेकिन इसका जो राइट फोरम है वो गवर्नमेंट है, ये चीज़ हमारे इख्तियार से बाहर है। यकीनन आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए बखर पुलिस और रीजनल पुलिस आईजी पंजाब पूरी तरह कोशिश हैं। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है और इन जराइम पेशा लोगों के लिए क्या मैसेज? जराइम पेशा लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि महकमा पुलिस जो है वो जाग रहा है और इंशाल्लाह ताला जो है वो जहाँ पे जो बंदा जो भी जुर्म करेगा हम उसको सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे और उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। शहीद को पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा असलम बलोच, 12 न्यूज़ नेटवर्क, बखर।